हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ बहुत ज्यादा। और मैं पूजा वूजा करके किचन में आई हूँ। मैं जा रही थी बनाने चाय, और मैंने सोचा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप सभी मेरे साथ साथ चाय इंजॉय कर सकें। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने चाऊ चाऊ, तो उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे रखा है चाऊ चाऊ नहीं, चौचू से कहते हैं पेट भर लो, खाली पेट भर लो। तो यार इसको बनाने चार पैकेट लिया है मैंने, और फटाफट बनाते हैं और अपना अपना पेट भरते हैं। यहाँ पे दूध बॉयल हो गया है, और पहले बनाएंगे चौचू, उसके बाद बनाएंगे चाय। और मैंने सारा किचन का बर्तन वगैरह सेट कर लिया, जो अभी यूज करेंगे वो यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी तो सब मैंने सेट कर दिया। और ये कल का दूध है, इसे भी मैंने गर्म करके रख दिया है। बहुत मोटी मलाई पड़ी है, देखिए बहुत मोटी, तो अभी मैंने मलाई नहीं उतारा। वैसे मैं फ्रिज से निकालते ही मलाई उतार लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, और यहाँ पे डालेंगे अब प्याज। दूर रखो जा, टमाटर बढ़िया से पक चुका है, तो इसमें डाल दें मसाला। हाँ ये वाला पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। डालूंगी दो पैकेट का डाल दूंगी। तो गाइस यहाँ पर रेडी हो गया, मैंने लगा दिया प्लेट, डाल दें थोड़ी सी सॉस, और आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस बनाते बनाते तो पसीना निकलता ही है, लेकिन खाते खाते भी कितना कूड़ा हो गया है। साइड में चाय बन रही है, चाय भी सबको दे देंगे, उसके बाद में कितना सारा सामान फिर से सेट करने वाला है। और यहाँ पे सैर भी क्या कर रही है, मैंने पानी पिया कड़वा है था। ये सेल्वी हाय करो, सेल्वी एक बार हाय कर लो बाबू, कैसी हो? रौनक हाय करो, सेल्वी। और ये बताओ कि सस्सी दीदी कहाँ पे है, दूर गई, कहाँ गई है, बुलाओ उसको। दीदी आ जाओ, याद आ रही है आपकी, याद आ रही है। गई साइड सारा कुछ सेट हो गया, साफ कर दिया मैंने थोड़ा बहुत, अभी खाना बनेगा तो फिर से होगा। और इस साइड में साफ कर, इसमें सारा कूड़ा इकट्ठा कर दूंगी। गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी भिंडी की छौंक दी है, साइड में सब्जी भून गई है। तो फाइनली गाइस सब लोगों ने खाना पीना खा लिया, मैंने रोटियां भी बना दी थी। इस बीच आ गए थे पंडित जी, तो पंडित से बातें होने लगी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आगे का। और बाकी सब लोगों ने खाना वाना खा लिया, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि टाइम 3 बज गया है, सारा कुछ हो गया था। मैं सोच रही थी फटाफट आएंगे खाने, तब मैं रोटियां बनाऊंगी, तो पंडित जी आ गए थे, कुछ काम था। एक्चुअली मुझे कथा सुनना था, आज पूर्णमासी है तो मैं पूर्णमासी की कथा सुनती हूँ, तो मैंने पंडित जी मतलब आए थे, बट किसी कारण की वजह से कथा नहीं हो पाया,
कुछ रीजन आ गया था तो कथा हम नहीं सुन पाए, पंडित जी आके और चले गए और सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। इतनी भयानक गर्मी है किचन में, पूछो ही मत। एक गार्ड वगैरह लगा है लेकिन नहीं चला सकते क्योंकि किचन में फिर गैस बंद होने लगता है। तो सबने खा पी लिया, बस मैं ही बची हूँ अकेली। और यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए बेसन की रोटी, दो रोटी। और कोई नहीं खाता, मुझे पसंद है, या फिर मेरी मम्मी को पसंद था तो मैं और मम्मी खाते थे पहले। अब तो मम्मी नहीं रहती है मेरे पास तो मैं अकेले खाने वाली दो रोटी बनाई हूँ। और बाकी तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी जस्ट सब लोग। और मैंने यहाँ पे गाय के लिए भी दो रोटी निकाला है तो मैं भी भिजवाने के लिए बाहर निकाली थी तो रख देती हूँ इसको भी। और बहुत सारा किचन भी फिर से फैल गया है, मतलब हर बार जब खाना नाश्ता करो फैलता ही है। तो अभी किचन भी साफ़ करना है, रोटी बनाओ तो कितनी जल्दी गैस भी हो जाती है, इस साइड बहुत गंदा हो गया तो अब साफ़ करेंगे सब कुछ। पहले खाएंगे खाना उसके बाद में, क्योंकि भूख भी लग रही है। टाइम हमें लग रहा है, एक मिनट देख के बताते हैं। हाँ गैस टाइम 3 हो रहा है अभी, मतलब 3 बज रहे हैं। तो गैस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, राधे राधे।